इधर है देश हित के लिए, कंट्री इज द सुप्रीम, देश हित सर्वोपरि है और विकास हमारा मंत्र है। विकास के लिए एक प्री कंडीशन है, प्री रिक्विजिट कंडीशन है, वो है शांति, एकता और सद्भाव। ये शांति, एकता और सद्भाव रखते हुए विकास को आगे ले जाना है। विशेषतः उन्होंने जन औषधि केंद्र के बारे में जिक्र किया। जन औषधि कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है, जो मरीज है और सीनियर सिटीजन्स है जो रेगुलरली दवाई लेते हैं हर महीना, उनके जीवन में कैसा बदलाव लाया है इसका भी उन्होंने जिक्र किया। उसके साथ जैसे मैंने पहले कहा, विकास एक मंत्र होना चाहिए, विकास के लिए शांति रहना चाहिए, एकता रहना चाहिए, सद्भावना रहना चाहिए। ये सिर्फ हमको बोलना नहीं, हर एक एमपी इसका इसमें लीड लेना चाहिए। ही शुड टेक लीड इन क्रिएटिंग शांति, एकता और सद्भावना। बहुत आग्रहपूर्वक प्रधानमंत्री जी ने ये कहा। आज के दिन में जैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में हुआ था, देश हित और दल हित का एक इशू तब भी आया था, तब वंदे मातरम को भी इनकार किया गया था। ऐसे आज भी कई दल देश हित और दल हित में, दल हित सुप्रीम मान रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एमपी, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि देश हित सर्वोपरि मानना चाहिए। इसके लिए जैसे तब वंदे मातरम इशू बनाया गया था, आज के दिन में भारत माता की जय भी एक इशू बनाने का कोशिश चल रहा है। प्रधानमंत्री इसके लिए चिंता व्यक्त की और देश हित के सुप्रीमेसी लाने के लिए एक तो विकास के साथ, सबके साथ, सबका विकास और सबके विश्वास, ये मंत्र लेते हुए मनसा वचसा कर्मणा, ये तीन सिद्धांतों के साथ हमको चलना है। 7 तारीख को मान्य प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का सभी जो 6300 अभी तक दुकानें खुले हुए हैं उनके साथ और उसके जो लाभार्थी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्हों एक इंटरेक्शन करेंगे, तो ये भी अनाउंस हुआ है आज। इसके अलावा देश हित सर्वोपरि है, भारत माता की जय हमारा नारा होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले ही कहा, शांति, एकता और सद्भाव, ये तो बहुत रिलीजियस, दिस इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर द विकास, ये तो माननीय प्रधानमंत्री बहुत आग्रहपूर्वक कहा है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि देश हित सुप्रीम, देश हित सर्वोपरि, इसको ही लेके आगे बढ़ना है, ये प्रधानमंत्री बहुत आग्रहपूर्वक आज कहा है। सर, कल जो लोकसभा में हुआ है, क्या सरकार की तरफ से कोई नोटिस दिया गया है कांग्रेस के सांसदों को सस्पेंड करने? नहीं, हमने तो अभी हमारे कई एमपी उनके जो उनका वर्तव्य था उसके बारे में लिखित रूप में माननीय स्पीकर साहब को दिए गए हैं। अभी सस्पेंशन वगैरह का नोटिस तो हमारा मन में तो है, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ।